अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये प्लेट लेकर क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं आज किसी को बर्थडे विश करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए कुछ मीठा बना लूँ और मीठे के साथ उसको विश करूँ। आज जिनका बर्थडे है उनका नाम है जैन अली। जैन अली, हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप कामयाब हो, आप तरक्की करें, आप एक अच्छे इंसान बने। और जैन अली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी बहन है, उनके बेटे हैं जैन अली और अशरा सैयद जिनका नाम है, उनके बेटे हैं जैन अली और छोटे हैं अभी। तो हैप्पी बर्थडे जैन अली, लव यू। एंड सो अब मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो रेसिपी शेयर करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे की मीठी रेसिपी, दूध पुआ। और उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप दूध। और अब मैं लूँगी 2 कप चावल का आटा, सेम इसी कप से जिससे मैंने दूध लिया था, बिल्कुल इक्वल लेना है। और अब मैं दूध को थोड़ा सा गुनगुना होने के लिए इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है। और हल्का सा गरम होने के बाद हम इसमें सारा चीज़ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें घी डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच। आप इसमें रिफाइन भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं घी डाली हूँ क्योंकि घी की खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए। और अब मैं इसमें 2 इलायची के दाने और ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें 2 कप चावल का आटा जो मैंने निकाल कर रख लिया था, तो इसमें मैं सारा डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बहुत ही इक्वल क्वांटिटी है इसकी। और इसमें मैं सेम इसी कप से हाफ से थोड़ा ज़्यादा कप शुगर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये गीली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स हो चुकी है तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दूँगी ठंडा होने। और अब मैं यहाँ पे इंडक्शन पे थोड़ा पानी उबलने चढ़ा दूँगी, इसमें अच्छे से भाप आ जाना चाहिए। और एक नेट डाल दूँगी और अब मैं इस आटे की गोल गोल टिक्की बना लूँगी। अगर आपके हाथ में चिपक रही हो तो थोड़ा तेल भी लगा सकती हैं, तेल या घी कुछ भी लगाकर इसको बनाएंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे सारा बनकर रेडी हो चुका है और भाप भी आ चुकी है पानी में। तो मैं इसके बिल्कुल सेंटर में एक एक किशमिश डालती जाऊंगी, फिर एक एक करके मैं इसको नेट के ऊपर रख दूंगी और ये बिल्कुल भाप में पक जाएगी। अब मैं इसको एक ढक्कन से ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। और बचे हुए आटे को भी मैं सेम इसी तरह बना कर रख लूंगी।
तीन से चार मिनट हो चुका है, तो मैं इसको चेक कर लूँगी। तो ये अभी भी थोड़ी कच्ची लग रही है, तो मैं इसको वापस से ढक दूँगी बस कुछ सेकंड के लिए। तो अब मेरी ये दूध पुआ बनके रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर एज ए स्नैक्स जो बच्चे खाते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है एंड बहुत ही ईजीली बन जाती है। और बाकी की जो बची हुई हैं इसको भी मैं पकने डाल दूँगी। और इसमें फिनिशिंग टच के लिए मैं इसमें थोड़ा सा सिल्वर पेपर यूज़ कर रही हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।